गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। साड़ी का ये आगे वाला भाग, इसकी आखिरी वाली प्लीट, ये आखिरी वाली प्लीट यहाँ से हम बिल्कुल पॉइंट पर लेते हैं और ऊपर की प्लीट चौड़ी लेते हैं, इसलिए ये सिलाई में नहीं आ पाती। इस तरह यदि इसे खींचा जाए तो ये निकल जाती है बाहर, तो इसे अच्छी तरह से अंदर की ओर वापस फोल्ड करना है हमें। ऊपर ले लेना है इस तरह से, और अब यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ते हुए टांका लगा लेना है, एक सुई धागे से एक टांका लगा लेना है। टांका लगाने के बाद गांठ लगा लेनी है। और पीछे वाला ये भाग काष्टे वाला, यदि बड़ी साड़ी हो तो इसमें जो आखिरी की प्लीट होती है यानी काष्टे की आखिरी वाली प्लीट, ये वाली, तो इसे हम इस तरह रखकर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं ताकि अस्तर वाला भाग दिखाई ना दे। अभी साड़ी बहुत छोटी है इसलिए इसे इस तरह से पकड़कर ये वाला भाग भी अंदर जाने देना है। इस तरह से लेते हुए यहाँ पर केवल एक टाका लगा लेना है, सुई को नीचे से पिरोना है यानी अंदर की ओर से इस तरह से, और केवल एक टाका लगा लेना है इस तरह से, ये एक टाका और यहाँ से एक टाका, बस। अब इसे हमने पीछे की ओर निकाल लिया और यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा लेनी है। धागे को कट कर लेना है। अब ये इस तरह से हिल भी जाए तो ये अस्तर वाला भाग दिखाई नहीं देता। अब ये साड़ी बहुत छोटी थी इसलिए हमने इस तरह से टाका लगा लिया, लेकिन यदि साड़ी बड़ी हो, इसी साड़ी को कट करके हमने ये जो कपड़ा निकाला हुआ था जो जिसमें 6 से 7 साल की बच्ची की साड़ी बन जाती, ये छोटी है, ये बड़ी है। अब ये बड़ी साड़ी है तो इसमें आखिरी की प्लेट, ये काष्टे वाला भाग यानी पीछे वाला भाग है, अभी हमने ऊपर नेफा नहीं लगाया है, काष्टे वाला भाग पीछे वाला भाग है, ये पल्लू है। अब इसकी आखिरी प्लेट, ये वाली है आखिरी प्लेट, इसी आखिरी प्लीट को पकड़ते हुए इसे हमें रखना है यहाँ पर अस्तर वाले भाग पर रख देना है, और पहले पिन लगा लेनी है ताकि हिले नहीं, और पिन लगाने के बाद फिर सिलाई लगानी है। इस तरह से पिन लगा लेनी है ताकि बीच में दूसरा कपड़ा भी ना आए। आखिरी तक पिन लगा लेनी है इसमें और फिर सिलाई लगा लेनी चाहिए ताकि अस्तर वाला भाग दिखाई ना दे। पीछे वाला भाग हटा लेना है, इसे अच्छी तरह से सीधा कर लेना है और फिर मशीन में लगाना है। पिन को निकालते जाना है, यहाँ पर मैंने एक पिन को निकाल लिया है। टाका बड़ा रखना है यहाँ पे हमें, पहले थोड़ा सा पक्का कर लिया। इसके बाद नीचे वाले भाग को भी बराबर करते जाना है और फिर इस प्लीट को थोड़ा सा, यहाँ तक अस्तर वाला भाग है, अस्तर के इस ओर थोड़ा आए, इसी तरह प्लीट को रखना है और सिलाई लगानी है। फिर से नीचे वाला भाग बराबर करते जाना है, पल्लू को भी बराबर कर लेना है। Thank you.
इस सिलाई को लगाते समय आसपास का हिस्सा सिलाई में आ जाता है, इसलिए इसे बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी चाहिए। फिर से हमने पक्का कर लिया आखिरी में, यानी इस भाग तक हमने सिलाई लगा ली है। अब ये काष्ठे वाला भाग जिसमें हमने ये सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई को लगा लिया है, और ये वाला भाग, ये तो टाँके वाला भाग है, क्योंकि ये बहुत छोटी है इसलिए हमने इसमें केवल टाँका लगा लिया है। अब ये जो राजलक्ष्मी साड़ी हमने बनाई हुई थी, इस पैर के लिए हमने लंबाई का 4 गुना हिस्सा लिया था, क्योंकि इसी में प्लीट आती है, और इस पैर के लिए हमने लंबाई का 2 गुना हिस्सा लिया हुआ था। लेकिन इस साड़ी को मैंने शाही मस्तानी साड़ी बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्लीट है इसमें, क्योंकि इस पैर के लिए मैंने लंबाई का 5 गुना हिस्सा लिया हुआ था, और इस पैर के लिए 2 गुना, क्योंकि इसमें केवल काष्ठा बनता है जो पीछे आता है, और इसमें मैंने 5 गुना लिया था, इसलिए प्लीट्स ढेर सारी आई है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम शाही मस्तानी साड़ी पहले बनाते थे, हम इस ओर टाँके लेते थे, यानी एक प्लीट का टाँका एक प्लीट में इस तरह टाँके लेते थे, लेकिन इस तरह हमें टाँके नहीं लेने, क्योंकि जब भी हम इस तरह से टाँके लेते हैं तो जब भी झुकते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है, और इस ओर यदि टाँके लिए जाएँ तो प्लीट ख़राब भी नहीं होती और सारी प्लीट सेपरेट रहती है। तो हमने टाँके इस ओर लगाए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक प्लीट का टाँका एक प्लीट में ही है, लेकिन टाँके इस ओर से लगाए हैं, हमने इस ओर से नहीं लगाए। जिस ओर से ये कपड़े वाली प्लीट दिखाई दे रही है उस ओर टाँके नहीं लगाने, प्रेस अच्छे से कर लेनी है, और ये सारे टाँके मैंने मशीन पर ही लगाए हुए हैं। अब इस साड़ी में, यानी किसी भी साड़ी में, हम जो सीट घेर होता है उस कटिंग करते समय, अस्तर कटिंग करते समय सीट घेर का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच मिक्स करते हैं, ताकि ये पहनने में आसानी हो, लेकिन किसी किसी को ये फिटिंग में चाहिए होता है, तो हमें 2 इंच नहीं मिलाना चाहिए, 1/4 इंच मिलाए या 1.5 इंच मिलाए तो भी चलता है, यानी सीट घेर का 1/4 हिस्सा प्लस 1/4 इंच या 1.5 इंच, तो फिर ये छोटी कमर होती है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कमर वाला हिस्सा बहुत छोटा लग रहा है, लगभग इसी के बराबर का ही है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही ये ज़्यादा है, क्योंकि ये फिटिंग में बन रही है साड़ी। अब इस तरह की साड़ी है तो इसे पहनने में और उतारने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसमें चेन कैसे लगानी चाहिए, इस ओर चेन लगती है ताकि ये पल्लू के नीचे छिप जाती है, चेन को खोल कर इसे पहन लेना चाहिए, और फिर इस पर पल्लू आ जाता है इस तरह से, यानी चेन छिप जाती है, लेकिन चेन को किस तरह से लगाना है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कल के वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।